नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम लोग फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। तो जिनको आता हो मित्र, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। प्रश्न है, इन शहरों को उनमें सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होने के समय के क्रम में सजाए, यानी जहाँ सबसे पहले सूर्योदय सूर्यास्त होगा उसको पहले रखना है, जब बाद में होगा बाद में रखना है। ये रहा ऑप्शन, ए थिम्पू, बी टोक्यो, सी नई दिल्ली, डी बीजिंग। थिम्पू, टोक्यो, नई दिल्ली, बीजिंग। जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता हो और सूर्यास्त होता हो उसको पहले रखे और बाद वाले को बाद में इस क्रम में सजाए, कमेंट बॉक्स में लिखे। और समय समाप्त। तो अब देखेंगे कि सही क्रम क्या है। सबसे पहले होंगे टोक्यो, बी, उसके बाद होंगे बीजिंग, उसके बाद थिम्पू, उसके बाद नई दिल्ली। पहले टोक्यो जापान और बीजिंग चाइना में और थिम्पू भूटान और नई दिल्ली। बी डी ए सी हुए इसके सही क्रम, जहाँ जहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त पहले होता हो। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी तीन बार दो धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। ऑप्शन है ए कावेरी, बी तुंगभद्रा, सी कृष्णा, डी गोदावरी। मित्र, अगर किसी प्रश्न में डाउट हो तो सर्च कर ले और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आंसर होंगे कावेरी। कावेरी नदी तीन भागों में बट जाती है, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कर्नाटक के दुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है तथा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, कावेरी नदी। मित्र, जो जो आप लोग वीडियो देखते हैं रेगुलर, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन केबीसी में पूछा जा रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न, महाभारत के अनुसार वेद व्यास जी ने किनके सामने शर्त रखी थी, मेरे द्वारा कहे गए श्लोक को तब तक ना लिखे जब तक आप इसका अर्थ ना समझ लें। आंसर इसका होंगे गणेश जी। गणेश जी ने पहले शर्त रखी थी कि मैं लिखूंगा, जो जब महाभारत लिख रहे थे, कि आप अगर बिना रुके बोलते रहेंगे तो मैं लिखूंगा। और वेद व्यास जी ने शर्त रखे थे कि ठीक है, जब तक आप पूरा समझ ना ले तब तक ना लिखें। तो इस प्रकार उनको समय मिल जाता था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वैष्णव संत आचार्य रामानंद जी के शिष्य थे? ए मीराबाई, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी स्वामी दयानंद। आचार्य रामानंद जी, आंसर होंगे कबीरदास। रामानंद जी कबीरदास जी को शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन कबीरदास जी ठान लिए थे कि मैं इनको ही अपना गुरु बनाऊंगा। और इसके लिए उन्होंने बनारस के घाट पे जो है सुबह सुबह वो लेट गए थे, जहाँ वो गुरु जी नहाने जाते थे। इस प्रकार उनके शरीर पे पैर पड़ गया था, जिससे उनको राम राम शब्द निकला। उन्होंने ही पहला गुरुवाणी मान करके फिर गुरु मान लिए थे। तो मित्र, बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। इस प्रसिद्ध चुनाव स्लोगन को पूरा करें, अमेठी का डंका, बिटिया डैश। ए इंदिरा, बी प्रियंका, सी सोनिया, डी स्मृति। आंसर होंगे प्रियंका। अमेठी का डंका, बेटी प्रियंका। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कौन सा सीट मिला था? ए अमेठी, बी रायबरेली, सी फूलपुर, डी इलाहाबाद। मित्र, क्वेश्चन में अगर कुछ मिस्टेक हो कमेंट में जरूर बताएं। अब यूपी में कांग्रेस को एक ही सीट मिला था मैंने देखा, हो सकता है अगर कुछ प्रॉब्लम हो आप जरूर बताएं। आंसर होंगे रायबरेली। सोनिया गांधी जी को सीट मिला है, जीते थे, वोट 534,918 है। इसको भी याद रखें, अगला वर्ष जो थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉल पे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुझसे एक बार पूछा था नरेंद्र मोदी जी गुजरात के जो वडोदरा है वहाँ से कितने लाख वोटों से जीते थे। चलिए अगला प्रश्न है, हाथी के दांत को इनमें से क्या कहा जाता है? इसके आंसर होंगे टस्क।
हाथी के दांत को टस्क, और जो दांत होते हैं वो केनाइन टीथ होते हैं। चार तरह के दांत होते हैं, उसमें से केनाइन टीथ। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार इनमें से किसने परीक्षित को महाभारत की कहानी सुनाया था? परीक्षित को, ए शुकः, बी वैशम्पायन, सी उग्रश्रवा, डी शुनक। आंसर होंगे शुकः, शुकः या शुका, इस प्रकार नाम था। शुका का सिर तोते की तरह था, इसलिए उनका नाम शुका रखा था। और वेद व्यास जी का पुत्र थे, उग्रश्रवा व्यास जी का पुत्र, और वैशम्पायन जो है व्यास जी के शिष्य थे, शौनक ऋषि थे। इन सभी ने महाभारत की कहानी को आगे बढ़ाने में आगे बढ़ाए थे। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के अनुसार इनमें से किस अवस्था में एक आर्य विवाह करता था? ए ब्रह्मचार्य, बी सन्यासी, सी वानप्रस्थ, डी गृहस्थ। इसके आंसर होंगे गृहस्थ। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई लिखाई, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। गृहस्थ में शादी विवाह, वानप्रस्थ में जंगल जाके प्रार्थना और घर त्याग देते थे, सन्यासी में उपदेश देना और सब कुछ दुनियादारी छोड़ देते थे। अगला प्रश्न, इस स्तूप को देखें, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित इस स्तूप की पहचान करें। कौन सा स्तूप है उसको आपको पहचानना है। मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट यह हो सकता है। लाइक जरूर दें मित्र। इसका आंसर होंगे धमेक स्तूप। ये सारनाथ में है, जहां बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिया था, प्रवचन दिए थे, वहां धमेक। तो मित्र आज इतना ही। लाइक जरूर दें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द एक और वीडियो के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर नए हैं तो।